गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 11 नवंबर और कल रात को मैंने आपसे बात करी थी, उसके बाद मैं सो गया था, एक अच्छी नींद ली थी क्योंकि बहुत थक गए थे। और आज 11 नवंबर है, अभी बज चुके हैं सुबह के 9, हम निकलने वाले हैं आज वापसी दिल्ली के लिए। और उससे पहले मैं जाऊंगा एक आधा और टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जो भी अभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हमारी ट्रेन है शाम की कालका से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सफर पे चैनल के जरिए एक और सफर पे। तो अभी मैं आया हूँ भालकू रेल म्यूजियम के बाहर, और देखिए बस स्टैंड है मेरे पीछे और इसके साथ नीचे ही बिल्कुल भालकू रेल म्यूजियम है, और ये पूरा नाम है बाबा भालकू रेल म्यूजियम। और मेरी किस्मत अच्छी नहीं है क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन ये बंद रहता है पब्लिक के लिए। ये आगे रेल खड़ी है और अंदर रेल म्यूजियम है, पूरा सब कुछ आपको दिखेगा। रेल के बाद जानकारी मिलेंगी, इंजन मिलेंगे यहाँ पे, डब्बे मिलेंगे यहाँ पे रेल के, और भी कई सारे यंत्र मिलेंगे यहाँ पे रेलवे से जुड़े हुए। तो आप आइए यहाँ पे विजिट कीजिए और याद रखिए सोमवार को ये रेल म्यूजियम जो है बंद रहता है। तो अभी मैं आ गया हूँ संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, और ये देखिए मेरे सामने संकट मोचन मंदिर शिमला, यहाँ पे सामने बोर्ड लग रहा है जो, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से पहुँच जाएंगे मंदिर। तो जी इस तरीके से यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे जाने के लिए, और थोड़ा नीचे जाकर वो मंदिर है। तो चलते हैं संकट मोचन मंदिर, यहाँ पे काफ़ी फेमस है शिमला में, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, श्रद्धालु तो आते ही हैं यहाँ पे। तो जो भी आता है वह संकट मोचन मंदिर ज़रूर आता है, हनुमान जी के दर्शन करके ज़रूर जाता है। तो चलते हैं मंदिर में, वहाँ जाकर मैं आपसे मिलता हूँ, वहीं आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो लो जी हम आ गए संकट मोचन मंदिर के मेन गेट पर, और ये सामने देख सकते हैं पूजा की दुकान, सामने यहाँ से प्रसाद लेकर लोग जा सकते हैं अंदर भगवान को चढ़ाने के लिए। और देखिए मैं ऊपर वहाँ से आया था कि वो रास्ता जा रहा है, और वहाँ उधर ट्रक जाते हुए गाड़ी आते हुए उधर से ऊपर से ये सीढ़ियों से हम नीचे आए थे, और ऐसे यहाँ पार्किंग भी है, यहाँ पे आप गाड़ी से भी आ सकते हैं अपनी। और चलते हैं अभी अंदर के लिए, और इस तरीके से ये रास्ता जाता है सीधे संकट मोचन के मंदिर को। तो फिर चलिए इस खूबसूरत द्वार से प्रवेश करते हैं संकट मोचन के मंदिर में। तो इस तरीके से सामने से देखिए संकट मोचन जी का मंदिर, ये है इसका प्रवेश द्वार, और यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य में और कब हुआ निर्माण कार्य, और काफ़ी इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो संकट मोचन जी के सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए मैंने, और मैं अब आ गया हूँ इसके मेन द्वार पे बाहर, और ये हमको प्रसाद मिला था वहाँ से संकट मोचन जी के मंदिर से। तो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। जय बजरंगबली। तो ये आपका एक टेरेस टाइप का बना रखा है, पूरा टेरेस है मंदिर से आगे जाकर संकट मोचन जी का मंदिर, ये पीछे चला गया, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये टेरेस आ गया, और यहाँ टेरेस से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने का, और कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। और देखिए सामने वो जो दिख रहा है वहाँ पड़ता है शिमला, वहाँ से हम आए थे पूरा चक्कर मार के घूम कर, करीब ये 5 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। तो वहाँ से हम आए यहाँ पर, और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधे कालका के लिए। तभी मैं बाहर आ गया हूँ संकट मोचन मंदिर से निकलकर, देखिए रोड पर वो सामने में संकट मोचन मंदिर, वहाँ पे वहाँ से एंट्रेंस है उसका, और ये रोड सीधे जाती है आगे चंडीगढ़ दिल्ली के लिए। इधर से वापस जाएंगे आप तो वापस शिमला पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पर रुके हैं बीच में नौ लोटस में, और यहाँ नीचे इसके छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने मंगा लिए अपने लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे अचार के साथ और साथ में चाय। तो खा के बता दो कैसे हैं, और उसके बाद निकलेंगे हम अपना आगे कालका के लिए। और स्टफिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे देखने में, और बिल्कुल गर्मा गर्म निकाले हैं, देख सकते हैं आप। अचार ला खाएंगे तो मज़ा दोगुना हो सकता है। गर्मा गर्म मज़ेदार। चाय के साथ
अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से माता वैष्णो देवी की गुफा के लिए रास्ता जाता है, और ये संकट मोचन मंदिर से थोड़ा सा ही पहले पड़ता है। आप आसानी से यहाँ से पैदल आ सकते हैं संकट मोचन मंदिर, अगर आप जाते हैं तो वहाँ से पैदल पैदल का रास्ता है केवल माता वैष्णो देवी की गुफा को जाने का। और देखिए मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ज़्यादा हाइट पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाकर ही ये गुफा आ जाएगी। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं माता वैष्णो देवी के गुफा के। और देखिए इस तरीके से ये जो है सीढ़ियाँ बना रखी हैं इन्होंने, और ऑफ रोडिंग टाइप की थोड़ी सी है, ओवर खाबड़ यहाँ पे पत्थर भी निकले हुए हैं, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आप पहुँच जाएंगे वैष्णो देवी जी की गुफा में। तो मिलता हूँ मैं आपको वैष्णो देवी गुफा पे पहुँच कर। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं वैष्णो देवी की गुफा के सामने, और ये इसका मुख्य द्वार है। सामने इतना बड़ा पेड़ आपको दिख जाएगा, और ये सामने से ऐसे करके गुफा के रास्ता जाता है। तो गुफा के अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं केवल आपको बाहर से दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से गुफा है, और आप यहाँ पे आएँ तो माता वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर करें। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, करीब 25-30 सीढ़ियाँ चढ़ के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं आता हूँ माता वैष्णो देवी दर्शन करके, और तो उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो वैष्णो माता जी के सफलतापूर्वक मैंने दर्शन कर लिए, और इस गुफा के अंदर आप जाएंगे सीधा तो आपको सामने बिल्कुल तीनों देवियों के दर्शन हो जाएंगे। उनके पिंड यहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो हैं बाल योगी जी थे संत, उन्होंने यहाँ पे इस पहाड़ की खुदाई की थी, तो उनको प्राप्त हुए थे, इन तीनों माता के दर्शन हुए थे, तो उनके पिंड यहाँ पे स्थापित किए गए। जो आप वैष्णो देवी में जाते हैं देखने के लिए, वही ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही पिंड यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, और पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में विस्तार से बताया। तो आप आइए यहाँ पे और दर्शन कीजिए वैष्णो माता जी के। तो हम निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए, और मैं जाऊँगा सीधा कालका, और कालका स्टेशन में पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं कालका स्टेशन के बाहर, और ये देखिए मेरे पीछे कालका रेलवे स्टेशन। और शिमला का मेरा सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शानदार रहा, और काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया मैंने, और काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। और आई होप कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप भी मेरी वीडियोज़ को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो मेरा शिमला का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, और मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे एक नए सफ़र पर। मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।